Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called sets. Sets ka shayad 14th lecture hai. Maine is lecture se pehle jo concept karaya hai, mere pyare bachcho, wo bahut important concept hai. Please mere rab ke bando, us lecture ko, lecture number 13 ko do baar dekh lena taki aapki grip bani rahe. Ab uske baad maine bola tha main aapko NCERT ki miscellaneous piche se aage tak karaunga. In a survey it was found that और 16, 15, 14, 13 ये वाले क्वेश्चंस बोले थे 16, 15, 14, 13 हाँ और एक एग्जांपल बोला था. इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 14 लाइक ए एंड बी, 12 लाइक सी एंड ए, एंड 14 लाइक बी एंड सी, 8 लाइक्ड ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स. Find how many like product C only. जब एकदम इतनी सारी बॉलें आती है ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कौन सी बॉल को कैसे खेले. तो माता रानी का नाम लेकर सबसे पहले देखो दे क्या रखा है. नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग ए इज 21, 26 लाइक बी, बी पसंद करने वाले 26 थे, 29 लाइक सी, 14 लाइक ए एंड बी. ए एंड बी का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी, 14, 12 लाइक सी एंड ए, 12 लाइक सी इंटरसेक्शन ए, एंड 14 लाइक बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 14 है, और 8 लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स. 8 बंदे ऐसे हैं जो ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स लाइक जिन्होंने करा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अब गेम चेंज होती है और हमें ये बोला जाता है हाउ मेनी लाइक सी ओनली. मैं चाहूँ तो अभी वेन डायग्राम बना के आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ, बट नहीं. मैंने जो लेक्चर नंबर 13 में आपको ओनली वाला फार्मूला दिया था, लेक्चर नंबर 13 पे जाओ और ओनली सी वाला फार्मूला लाओ तो आपको ओनली सी का फार्मूला मिलेगा. मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा. एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस क्या एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. बेटे फॉर्मूले 11th में नहीं याद रखने, ये 12th में भी याद रखने हैं और आगे कल को बड़ा कोई पेपर देने जाओगे वहां पर भी याद रखने हैं. तो प्लीज अगर फॉर्मूला पता होगा तो एक सेकेंड में आंसर आ जाएगा. सी कितना है बेटा 29 माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज 4 नहीं होगा, बी इंटरसेक्शन सी 14 है. देखो क्वेश्चन लिखने में भी गलती हो जाती है. माइनस सी इंटरसेक्शन ए 12 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया 8. तो 29 प्लस 8 माइनस 26, 3 और 8 11. देयर आर 11 पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. अगर क्लास 7 है तो आई विल नॉट रन विद द आंसर्स, मैं क्रॉस चेक जरूर करूंगा. 1.6 का क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ रहा है 11. एब्सोल्युटली राइट है. ये वाला था क्वेश्चन नंबर 16. प्लीज़ अगर चाहता तो ऐसे करके बना सकता था, ये ए लेता, ये बी लेता और फिर ये सी लेता. ओनली सी के लिए सबसे पहले हमें सी निकालना पड़ता. ये पूरा सी लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ये वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन सी में से माइनस करेंगे ये वाला पोर्शन, बी इंटरसेक्शन सी में से ये दो बार माइनस हो जाएगा इसलिए एक बार इसे प्लस करेंगे. ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराया है. बहुत अच्छा तरीका है या नहीं, अपनी तरफ से 100% दिमाग लगाकर मैंने करवाया है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे. मुझे पॉज कर लो, क्वेश्चन नंबर 15 को आराम से देखो. वीडियो क्लास में सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, यू आर द बॉस. इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो ये जब भी होगा मैं तो यूनिवर्सल सेट लेके चलूंगा. इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, 25 लोग वो हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं. मेरे जैसे स्टूडेंट से क्वेश्चन लिखने में भी गलती हो जाती थी, मैं ऐसा हूं. 26 रीड न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले 26 हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले भी 26 ही लोग हैं. ध्यान से देखना, गलती हो सकती है. 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच
इंटरसेक्शन आई वाले कितने हैं, 9. 11 रीड एच एन टी, एच इंटरसेक्शन टी वाले 11 हैं. 8 रीड टी एन आई, 8 रीड टी इंटरसेक्शन आई 8. 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, हमारे दादाजी सारे न्यूज़पेपर पढ़ते थे जितने घर में आते थे, ये क्वेश्चन देखकर उनकी याद आ गई. सारे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उनकी इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. मेरी सारी इंग्लिश की स्पीचेस वो कराते थे. थैंक यू दादाजी. आगे दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 पेपर्स. हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 पेपर्स मीन्स दे आर आस्किंग फॉर एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई. कम से कम एक पेपर या तो ए या तो बी या तो सी विल बी गिवन बाय एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच, अगर क्लास 7 है तो. ये टी और आई प्लस नॉट टू फॉरगेट जो मेन बंदा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो एन ऑफ एच इज मेरे बच्चे 25 प्लस 26 प्लस ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ डालनी है, ये यहाँ आएंगी आंटी जी, ये यहाँ आएंगी, प्लस ये 26 माइनस एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई है बेटा 9, ये एच इंटरसेक्शन टी लिखा हुआ है तो यहाँ डलेगा 11, ये मैंने गलत लिखा है, जो बच्चे को गलत ना समझ आ जाए, वैल्यू सही पुट करना. माइनस एच इंटरसेक्शन आई इज 9 माइनस आई इंटरसेक्शन टी, आई इंटरसेक्शन टी इज 8 प्लस एच इंटरसेक्शन, ये तीनों वाले इंटरसेक्शन आ जाएगी 3. अगर क्लास 7 है तो 11 और 9 होता है 20, 20 और 8 होता है 28, 28 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस 25. सो दैट विल बी, यहाँ पर जो हमारे को रिजल्ट मिला दैट इज माइनस 25 प्लस यहाँ पर 26 था प्लस 26 था प्लस 25 था, तो ये करने के बाद 25 से 25 गया. अवर आंसर इज 52, फर्स्ट पार्ट का आंसर 52 है. अगला है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर वाले बंदे निकालो, पहले ये कॉपी करो तब मैं आगे बढ़ूँगा, पहले ये कॉपी कर लो. ये कॉपी करने के बाद, क्योंकि हमें ओनली एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर बोला है, तो पहले बात को समझना. लेक्चर नंबर 13 के एंड में मैंने ओनली ए ओनली बी और ओनली सी कराया हुआ है, ओनली ए ओनली बी ओनली सी. अब थोड़ा सा स्टाइल एन ऑफ एच ओनली, ही न्यूज़पेपर एच वाले होंगे, एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये तो एच ओनली हैं, प्लस एन ऑफ आई ओनली वाले जो होंगे, आई ओनली वाले जो होंगे वो होंगे एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन टी प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ टी ओनली वाले होंगे एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी या टी इंटरसेक्शन एच, एक ही बात होती है, प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई. जब आप इन तीनों इक्वेशंस को प्लस करोगे, व्हेन यू विल ऐड 1, 2 एंड 3, ओनली एच ओनली आई और ओनली टी से आपको मिलेगा एन ऑफ पीपल रीडिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, जो बराबर हो जाएगा एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आई. ये एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी दो बार आ रहा है और दोनों बार माइनस में आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स
नंबर ऑफ पीपल एच इंटरसेक्शन टी. ये एच इंटरसेक्शन आई और ये आई इंटरसेक्शन एच दो बार आ रहा है, माइनस टू टाइम्स एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई. माइनस बचा क्या, आई और टी माइनस दो बार नंबर ऑफ पीपल एच क्या आई इंटरसेक्शन टी प्लस ये एक बार दो बार और तीन बार आ जाएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई. अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो अब एन ऑफ एच कितना है बेटा, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस दो बार एच इंटरसेक्शन टी. एच इंटरसेक्शन टी जो मैंने यूज़ कर लिया 2 × 11 माइनस 2 × H इंटरसेक्शन आई, 2 × 9 माइनस टी इंटरसेक्शन, 2 × 8 प्लस 3 टाइम्स ये तीन बार आएगा, एक बार दो बार तीन बार, तीन बार तीन. व्हाट आई गेट इज 26 प्लस 26 52, 77 आएगा तीनों प्लस वालों को प्लस करके, माइनस 22 माइनस 18 माइनस 16 प्लस 9. अगर आप इन सब को प्लस और माइनस करो ये आ जाएगा 37 37 में से जाएगा 46 46 में से अगर 16 जाएगा. व्हाट आई गेट एज आंसर इज, मैंने पीछे से आँख मार के चेक भी कर लिया और सही किया है, द आंसर इज 30. ओनली एच निकालेंगे, ओनली टी, ओनली आई. अगर 1% भी प्रॉब्लम आई है तो इमीडिएटली लेक्चर नंबर 13 के लास्ट में जाओ. लेक्चर नंबर 13 बैकबोन है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे. इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी. 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है, 50 नो इंग्लिश. अच्छा जी, अंग्रेजी को लेके थोड़ा सा हार्ट टाइट है. एंड 25 नो इंग्लिश और हिंदी. 25 नो बोथ इंग्लिश, 25 नो बोथ, 25 नो बोथ मतलब हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश दोनों आती हैं जो. और इफ़ ईच स्टूडेंट नोज इंग्लिश और हिंदी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप. हमें निकालना है इंग्लिश यूनियन हिंदी में कितने लोग होंगे. मुझे नहीं लगता हमें निकालना चाहिए क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे. इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी. इंग्लिश वाले 50 प्लस 100 माइनस 25 गिव्स यू 125 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश या हिंदी को जानते हैं. अब अगर क्लास 7 है तो क्वेश्चन नंबर 13 मुझे पॉज करो और खुद से करो. इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, मैं इसको यूनिवर्सल सेट मानूंगा. 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी. 150 ऐसे थे जो चाय पीते हैं. स्कूल में चाय कौन देता है. 225 टेकिंग कॉफ़ी. अगर स्कूल में चाय पी रहे होते तो अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता. 225 टेकिंग कॉफ़ी. 100 वर टेकिंग टी एंड कॉफ़ी, टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी. 100 लोग ऐसे हैं जो टी भी ले रहे हैं और कॉफ़ी भी ले रहे हैं. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नीदर टेकिंग टी. ना तो टी ना तो कॉफ़ी को यूनियन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट. ना तो चाय ना तो कॉफ़ी. तो मेरी क्लास अगर मेरे साथ है तो वो लिखेगी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड नंबर ऑफ पीपल taking tea or coffee, that is n of t union c will be n of t plus n of c minus n of t intersection coffee. So n of t union coffee will be n of t 150 plus 225 minus 100, that is these are the people who are drinking टी और कॉफ़ी, दैट इज़ 275 लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं. अब बाय डेफिनेशन एन ऑफ टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू. टोटल जो चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं या जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पी रहे वो मिलाकर यू के बराबर है. तो एन ऑफ टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट प्लस 275 जो मेरा यहाँ से आया है इज़ इक्वल्स टू एन ऑफ यू
जो कि 600 है, जो लिखने में हमने गलती कर दी थी, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 325, जो बिल्कुल सही आंसर है। ये था एक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारा आया है एग्जाम्पल 34, विच इज़ अ स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। अगर आपको फेल करना होगा तो ये क्वेश्चन दे देंगे, ये गुगली टाइप क्वेश्चन है। अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, नंबर ऑफ फुटबॉल वाले कितने हो गए 38, 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले हो गए 15 एंड 20 इन क्रिकेट, 20 इन क्रिकेट मतलब 20, जय माता दी। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ ग्रुप ऑफ 58 मैन, 58 मतलब ए यूनियन बी नहीं, इस बार ए नहीं है, मैंने फुटबॉल के लिए एफ लिया है, तो क्या लिखूंगा यहां पर, नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इज 58 एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, मतलब एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 वो लोग हैं जिनको तीनों में मेडल मिला है। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ये एफ है, ये बी है, ये सी है, एग्जैक्टली 2 की बात हो रही है, मतलब ये वाले की बात हो रही है, ये वाले की बात हो रही है और ये वाले की बात हो रही है। तो पहले ये वाला पोर्शन ले लो 1, ये ले लो 2, ये ले लो 3। ये पोर्शन कैसे आएगा, नंबर ऑफ पीपल गेटिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ओनली, ये आएगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, अगर क्लास 7 है तो बी इंटरसेक्शन एफ में से माइनस करेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी वाले एन ऑफ, अब ये सेकंड वाला पोर्शन निकालना है, ये एन ऑफ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ओनली वाला निकालना है, तो ये आएगा कैसे आएगा, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी एंड एन ऑफ ये वाला पोर्शन फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली वाला निकालना है, तो वो आएगा एन ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी। अब हमें इन तीनों का टोटल निकालना है, तो मैंने इन तीनों को ऐड करा, जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो आएगा नंबर ऑफ पीपल हु गॉट मेडल्स इन टू ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, टू ऑफ द 3 स्पोर्ट्स के लिए एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस 3 बार बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी, ये मुझे निकालना है। द हैप्पी पार्ट इज मेरे पास ये है, इसकी वैल्यू है, बट मेरे पास इसकी इसकी और इसकी वैल्यू नहीं है। इस क्वेश्चन में यहाँ तक बच्चा नहीं आता, बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी और एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर क्लास 7 है तो। हमें वैल्यू चाहिए इन तीनों के सम की, तो ये तीनों इधर माइनस हो रहे हैं, उधर जाके प्लस हो जाएंगे, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, इधर आके प्लस हो गए, जो बराबर हो जाएगा एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एक ये बंदा भी है एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये जो प्लस हो रहा है एन ऑफ एफ यूनियन बी
यूनियन सी, नेक्स्ट पेज पे हम जब जाते हैं ना तो हमारी गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। अब ये जो एफ है हमारे पास कितना आ रहा है, 38 प्लस बी आ रहा है 15 प्लस सी आ रहा है 20 प्लस आ रहा है 3 माइनस 58। अगर क्लास 7 है तो ये हो जाएगा 38 और 20 58, 38 और 15 58 से 58 चला जाएगा, 15 और 3 ये आ जाएगा 18, 15 और 3 आ जाएगा ये 18 आ जाएगा अगर क्लास देख रही है तो। यहाँ पर ये जो इक्वेशन 4 ली थी हमने, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 18 डालेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, 18 माइनस 3 इंटू 3 तीनों वाले, तो 18 माइनस 9, 9 लोग ऐसे हैं जिनको मेडल मिला है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स के अंदर। इस क्वेश्चन को करने में हमने स्ट्रगल करी है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपके टीचर बहुत जान लगाकर आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो वो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देंगे, इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। आई होप ये समझ आया हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ मिसलिनियस के बचे कुचे क्वेश्चंस करूँगा, मे बी नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।